चलिए अब अगला पेयर लेते हैं बेटा। अगला पेयर में लेना चाह रही हूं कुड और वुड का डिफरेंस। इंग्लिश में कहां पे कुड बोलना चाहिए और इंग्लिश में कहां पे वुड बोलना चाहिए। तो सब तैयार है? सबसे पहली और छोटी सी बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि कुड वहां, कुड ना कैन का पास्ट होता है। पहले तो आप ये समझो, आई कैन डू इट, इसी को पास्ट में बोलना है तो आई कुड डू इट। विल का पास्ट वुड होता है। अगर मुझे कहना है आई विल डू इट और इसी को पास्ट में बोलना है तो आई वुड डू इट। पर ये बहुत बेसिक ज्ञान है, लगभग हर बच्चा इसको बड़े इजीली इस्तेमाल कर लेता है कि प्रेजेंट में अगर कैन है ना तो पास्ट में कुड होगा, प्रेजेंट में अगर विल है तो पास्ट में वुड होगा। ये सबको पता है, ज्यादातर लोगों को ये बेसिक सी बात पता है। तो मैं अलग या नया या मुश्किल क्या है जो पढ़ाना चाहती हूँ, बड़ी छोटी सी बात है। कुड और वुड दोनों रिक्वेस्ट में इस्तेमाल होते हैं। यहां बच्चा फंस जाता है, यहां बच्चे को यह नहीं समझ में आ पाता कि मैं रिक्वेस्ट करने के लिए कब कुड का इस्तेमाल करूं और मैं कब रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का इस्तेमाल करूं। जैसे बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना है कुड यू हेल्प मी, कुड यू प्लीज डू इट, और बहुत सी जगह आपने सुना होगा वुड यू प्लीज डू इट, वुड यू हेल्प मी। समझे? तो हम कुड को भी रिक्वेस्ट के लिए यूज कर लेते हैं और वुड को भी रिक्वेस्ट के लिए यूज कर लेते हैं। देन व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बोर्ड से नजर मत हटाना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। इंग्लिश कह रही है कुड वहां लगाओ जहां आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। कहां लगाओगे कुड? जहां पे आपकी रिक्वेस्ट पोलाइट है। सुनो, इंग्लिश कहती है जैसे ही इंग्लिश की लाइन में प्लीज दिखे ना, समझ जाना पक्का कुड आने वाला है। ऐसे ही वुड के लिए कुछ हिंट मिलते हैं, सेंटेंस के अंदर बेटर शब्द दिखता है, वुड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर, वुड यू माइंड, वुड यू लाइक, वुड दैट। समझे? इन में से कुछ भी दिख जाए तो पक्का वुड आएगा और प्लीज दिख जाए तो पक्का कुड आएगा। ये एक शॉर्टकट है जो आपको बहुत सारी जगह समझ में आता है। समझे? ये